हूँ। जब मुंबई से पुणे के लिए निकली थी तो बीच में फूड प्लाजा वगैरह मैंने शूट किया था, उसका एक ब्लॉग डाली थी, आपने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके आप देखिए वो। और अभी मैं पुणे में एक स्नैक्स की दुकान है, मतलब बधाई बोल रहे, जहाँ स्वीट्स भी इतनी अच्छी मिलती है, एकदम यमी यमी। और स्नैक्स में मतलब समोसा, पापड़ी चाट, पापड़ी और ढोकला, मतलब हर तरह का राजस्थानी गुजराती जो स्नैक्स रहता है, कचौरी और वड़ा पाव तो बहुत ही अच्छा। तो हम हमेशा जब भी आते हैं तो यहाँ खाते हैं बधाई का। और बधाई एक दुकान नहीं है, मतलब पुणे में इसके 10-12 दुकान हैं, लेकिन ओनर सब अलग अलग हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कभी आप पुणे आए तो विज़िट करें, तो आप बधाई में आइए और यहाँ से स्वीट लीजिए और स्नैक्स खाइए। कोंडवा है, मैं कोंडवा के बधाई में आई हूँ। ये देखिए पुणे में कोंडवा बहुत फेमस है। ये मेन रोड पे ही दुकान है, ये देखिए मीठा नगर बोलते इसे, कोंडवा का मीठा नगर। Thank you.
कितना आधा किलो है? एक किलो, एक किलो है। एक किलो का ये डोसे का, या तुम इडली बनाओ डोसा बनाओ उसका बेटर है ये। कैसा है? एक किलो 60 रुपीज़ का एक किलो है, एकदम फ्रेश है। देखिए यहीं बन रहा है। अभी हम ये जो ओनर है बताई के, मैं इनसे पूछती हूँ कि बताई के यहाँ पे जैसे कि सोलंकी विहार में बताई है कि दुकान है स्वीट्स की, और एक गोंडवा में है ये, और दूसरा एक आगे ऊपर खड़ी मशीन के यहाँ पे भी है। तो कितने कुल मतलब पूना में है बधाई नाम के? 10 से 12 है। 10 से 12 है, अच्छा। और 10 से 12 जो है बधाई चलते हैं, मतलब फेमस है यहाँ के बधाई की, मतलब मिठाई स्वीट्स और स्नैक्स, स्नैक्स में मतलब समोसा पापड़ी हर तरह की राजस्थानी गुजराती जो भी पूरा आइटम। आपकी स्पेशलिटी क्या है? रस मलाई समोसा। अच्छा, देखिए कितनी रश है। इसकी कीमत लिखी भी है यहाँ पे, 15 रुपए का समोसा है, 240 रुपए का पाव किलो ढोकला है, क्या किलो है, 17 रुपए का पैटीज है, 17 रुपए की कचौरी है, 15 रुपए का वड़ा पाव है। ये 240 रुपए का क्या है? मतलब 1 kg, अच्छा 1 kg 240 रुपए का है। देखिए ये कोंडवा का मीठा नगर है, देखिए यहाँ पे सब चाट की है, ये भी पानी पूरी है वो। चाइनीज का भी है, कितना क्या है? वेज मंचूरियन देखिए 30 रुपये प्लेट है। बिल्कुल बधाई कोंडवा, पूना कोंडवा मीठा नगर में बधाई के एकदम सामने है ये। बधाई के सामने बोले तो बधाई के लग के ही है ये। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को फुल वॉच करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दुआ में खास याद रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।